गोवर्धन पूजा दिवाली उत्सव का चौथा दिन है जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। इस दिन को श्री कृष्ण की विजय का प्रतीक भी माना गया है। पंचांग के अनुसार ये पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को आता है। इस बार 2 नवंबर 2024 को गोवर्धन पूजा की जा रही है। इस दिन घरों में गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाई जाती है जिसकी पूजा प्रदोष काल में होती है। इस दौरान अन्नपूर्णा माता की भी आराधना करते हैं जिससे परिवार में सुख समृद्धि का वास हो। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि गोवर्धन पूजा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। गोवर्धन पूजा के दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इस दिन तुलसी के पौधे में दीपक जरूर जलाएं, जरूरतमंदों को दान करें। पूजा के दिन विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और उनके नामों का जाप करें। इस दिन गाय की पूजा करना भी जरूरी है। गाय के गोबर से बने कंडे को जलाकर पूरे घर में धुआं करें, इससे नकारात्मकता दूर होगी। वहीं भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाएं, गोवर्धन पर्वत की विशेष पूजा अर्चना करें, ऐसा करना बहुत शुभ है। इस दिन पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाएं। ध्यान रहे, गोवर्धन पूजा के दिन घर को गंदा ना रखें, तामसिक चीजों का सेवन परिवार में कोई भी ना करे, गौ माता या किसी भी जीव जंतु को परेशान ना करें, घर में अंधेरा ना रखें। साथ ही साथ इस दिन पढ़ाई भी नहीं करना चाहिए। ऐसे में गोवर्धन पूजा के दौरान अपने बही खाते या फिर किताब कॉपी आदि चीजों को पूजा स्थल पर ही रखें और पूजा के दौरान उनकी भी पूजा करवाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।